एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच और पहला दिन का खेल हो चुका हुआ है पूरा। और इससे बुरा क्या हो सकता है कि आप दिन की आखिरी बॉल के ऊपर अपनी विकेट दे के चले जाए। बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच की, पहले दिन की, जो आज बड़ा जबरदस्त किस्म का बांग्लादेश ने स्टार्ट लिया। अगर मैं कहूं कि बांग्लादेश ने इंडिया को परेशान करके रख दिया था, ऐसा बिल्कुल जिसको कहते हैं गलत नहीं होगा, उन्होंने सच्ची में कर दिया था। जहां पे केएल राहुल शुभमन गिल आउट हुए, वहां पे विराट कोहली भी आउट हो गए। और विराट कोहली का जिस किस्म का आउट था, बॉल लग के कैसा यू सीधा आया, मतलब कि उससे पता चलता है कि पिच में कितना जिसको कहते हैं ना स्पिनर्स को एडवांटेज था, कितना बॉल टर्न हो रहा था, जबरदस्त किस्म का बॉल था। और विराट कोहली आउट हो गया, हर किसी को लग रहा था कि वो आज भी जिसको कहते हैं सेंचुरी मारेंगे टेस्ट मैच में। लेकिन इतना आसान नहीं होता, पता चल गया कि बांग्लादेश में रन करना बड़ा मुश्किल होता है। 43 पे 3 आउट थे, फिर आते हैं ऋषभ पंत, वो बंदा जिसको T20 के अंदर इतना निगलेक्ट किया गया, ODI के अंदर उसको जिसको कहते हैं प्रॉपर चांस नहीं दिया गया, ये जानते हुए कि उसने इंग्लैंड के अंदर कैसे धोया था इंग्लैंड को ODI के अंदर। उसके बाद टेस्ट मैचेस के अंदर जब उसको बारी मिलती है तो वो अपने जिसको कहते हैं ना प्लेइंग स्टाइल को खेलता है। मैं समझता हूं कि अब तो जो इंग्लैंड ने हमें आदत डाल दी हुई है ना तेज खेलने की, उन्हें लगता है ऋषभ पंत से सीखे, क्योंकि ऋषभ पंत ने जो आज खेला है ये ऐसे ही खेलता है टेस्ट मैच, और इसने एकदम से ना सिचुएशन बदल के रख दिया। अगर ऋषभ पंत वहां भी जल्दी आउट हो जाता तो इंडिया बड़ा जिसको कहते हैं नीचे चला जाता, लेकिन उसने आके अटैक किया, 45 बॉलों पे 46 रन बनाए, जिसकी वजह से इंडिया को जिसको कहते हैं ना थोड़ा सहारा मिला। फिर जब वो आउट होते हैं तो श्रेयस अय्यर और पुजारा की पार्टनरशिप लगती है, और पुजारा सच्ची में अगर कहूं कि इस टीम की बैकबोन है तो बिल्कुल गलत नहीं हुआ, क्योंकि वो बैकबोन वाला उन्होंने रोल अदा किया। 203 बॉलों के ऊपर 90 रन बनाए। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर ने भी बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई, आखिरी सेशन तक, आखिरी आधे घंटे तक ये खेलते हैं, फिर पुजारा आउट हो जाते हैं। पुजारा आउट होते हैं उसके बाद तेजुल इस्लाम की बॉल के ऊपर आउट होते, क्लीन बोल्ड भी हो जाते, लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं, वो भी थोड़ा खेलते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी दिन की आखिरी बॉल के ऊपर वो भी आउट हो जाते हैं। तो आज के दिन की अगर बात करें तो आज का दिन किसकी तरफ रहा? देखो बांग्लादेशी कंडीशंस के अंदर 278 रन बनाना पहले दिन के अंदर नॉट सो बैड, मैं समझता हूं कि अच्छे रन थे, क्योंकि एक सिचुएशन पे आपके 3 आउट हो चुके हुए थे 48 के ऊपर, उसके बाद आपने कमबैक किया, तो उसके बाद जो कमबैक किया आपने 230 रन बनाए, तो ये मतलब कि आपने जोर लगाया, दम दिखाया है, तो इसका मतलब है इंडिया ने फाइट बैक अच्छा किया। लेकिन दूसरी तरफ 6 आउट भी उन्होंने किए, तो ये भी उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने 6 आउट किए हैं। तो मेरे ख्याल से कि 60% तो आज इंडिया जिसको कहते हैं दिन ले गया, 40% बांग्लादेश ले गया, क्योंकि वहां पे उन्होंने जो एक पार्टनरशिप लगवा दी ना वो बड़ा फायदा देगी। अब सिचुएशन क्या है टेस्ट मैच की, क्योंकि हमें आदत होगी इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस देखने की, वो आते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने तेजी से खेल के इतने रन कर जाने होते, फिर दूसरी टीम आती है वो जल्दी आउट हो जाती है। लेकिन अब ये वाला जो टेस्ट मैच है ना, एक प्रॉपर टेस्ट मैच है, इसमें आपको प्रॉपर टेस्ट मैच की स्किल्स नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो पिच है बड़ा खतरनाक है। बांग्लादेश आपने देखा होगा 4 स्पिनर है, शाकिब, तेजुल, मेहदी हसन मिराज और जाकिर जो उनका है, वो 4 मिल जाते हैं स्पिनर्स, तो ये खेलेंगे। दूसरी तरफ इंडिया के पास भी कुलदीप यादव है, अश्विन है, अक्षय पटेल है, ये भी स्पिनर अच्छे हैं, तो यहाँ पे स्पिन ट्रैक है, प्रॉपर स्पिन ट्रैक है, यहाँ पे बॉल टर्न करेगा, तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल होने वाला रन करना। यहाँ पे इंडिया ने तो रन कर दिए, कल आके वो जिसको कहते हैं 50, 60, 70, 80 रन कर भी देते हैं। उसके बाद जब बांग्लादेश बारी लेने आएगा तो बांग्लादेश को मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जब आपके सामने इतने ज्यादा रन होंगे, फिर आपको पता भी है स्पिन विकेट है, तो इंडिया ने भी 3 स्पिनर्स खिलाए हुए हैं, तो वो भी जोर लगाएंगे, तो यहाँ पे बांग्लादेश फंसेगा। लेकिन देखना ये है कि ये टेस्ट मैच बांग्लादेश कैसे टैकल करता है। इंडिया ने तो रन बना दिए, कल भी आके वो एक सेशन खेल लेंगे तो उसमें रन कर देंगे, तेज खेलेंगे तो और रन हो जाएंगे, स्लो भी खेलेंगे फिर भी 70-80 रन आ जाएंगे। लेकिन क्या बांग्लादेश टैकल कर पाएगा, क्या बांग्लादेश अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रख के एक लीड दे सकेगा, तो ये बड़ा बड़ा फैसलापूर्ण मैच है, और इंडिया चाहेगी कि इस मैच का रिजल्ट है ड्रॉ पे ना जाए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। लेकिन आज तारीफ करनी बनेगी, सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगा ऋषभ पंत की, क्योंकि बेशक 45-46 रन है, लेकिन वो 46 रन बड़े यूजफुल रन थे, बड़ी उन्होंने मदद हासिल दी है, बड़ा हेल्प किया इंडिया को। लेकिन दूसरी तरफ पुजारा ने जो इनिंग्स खेली, उसके साथ साथ जो श्रेयस अय्यर ने इनिंग्स खेली, श्रेयस अय्यर ने भी पिछले दिनों भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो श्रेयस अय्यर को आप बोल नहीं सकते कि वो भी एक लड़का परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, नॉन स्टॉप परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो श्रेयस अय्यर की भी तारीफ करनी बनेगी। लेकिन देखना यह कि श्रेयस अय्यर ने जो रन किए क्या वो सेंचुरी में कन्वर्ट कर सकता है, हालांकि करने चाहिए, लेकिन फैसला ये होगा कल। तो आज के दिन का तो खेल हो गया पूरा, थोड़ी देर बाद विल्ला भाई के साथ आएंगे, अभी तक के लिए तो देखा जाए तो इंडिया लुक्स गुड, एक स्टेबल पोजीशन पे इंडिया नजर आ रही, लेकिन देखना ये है कि कहां तक ये जा सकते हैं और टेस्ट मैच कैसे खत्म करेंगे, जीतेंगे या ड्रॉ करेंगे या हारेंगे। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद दोबारा आ जाएंगे, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज।